बिहार में विधानसभा चुनावों में अब ज्यादा समय नहीं बचा। ऐसे में फिर से एक बार बिहार में अपनी जीत दर्ज कराने के लिए जदयू ने कमर कस ली है। प्रदेश में रैली और जनसभाओं का दौर अब शुरू हो गया है। इसके लिए पटना के गांधी मैदान में जदयू द्वारा एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन का उद्घाटन बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने किया, जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव अभियान का आगाज हुआ। ऐसा दूसरी बार हुआ जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन के मौके पर उनकी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। इसके पहले 1 मार्च साल 2015 में भी सीएम के जन्मदिवस पर जेडीयू का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया था। 2015 में भी बिहार के विधानसभा चुनाव हुए थे और ये साल भी चुनावी है। इस बार 2020 फिर से नीतीश के नारे के साथ आयोजित सम्मेलन में 2,00,000 कार्यकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था की गई थी। पार्टी का अनुमान था कि सम्मेलन में लगभग इतने कार्यकर्ता तो मौजूद रहेंगे, लेकिन पार्टी के अनुमान के मुताबिक सम्मेलन में भीड़ बहुत कम पहुंची। इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी संजीव कुमार ने। आज कार्यकर्ता सम्मेलन पटना के गांधी मैदान में मनाया जा रहा है। इसके पहले कन्हैया कुमार का भी सम्मेलन हुआ था, काफ़ी संख्या में लोग आए थे, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो स्थिति है गांधी मैदान में, जो बैरिकेडिंग लगाए गए हैं, काफ़ी दूर तक बैरिकेडिंग लगाए गए हैं, लेकिन वहाँ दूर दूर तक पब्लिक दिखाई नहीं दे रहा है। और भी आसपास में जो सामने देख रहे हैं, काफ़ी खाली खाली संख्या दिख रही है। सामने नीतीश कुमार बैठे हैं, जो पंडाल लगा है, लेकिन वहाँ कुछ पब्लिक दिखते हैं। उसके बाद जो इधर का जो जगह है, मतलब कहा जाए कि पूरी तरीके से खाली खाली दिख रहा है। सुरक्षा के इंतज़ाम है, सुरक्षा कर्मी है, और सुरक्षा को लेकर के काफ़ी मुस्तैदी बरती गई है, लेकिन सुरक्षा जिस तरीके से की गई थी, अंदाज़ा ये लगाया गया था कि काफ़ी संख्या में लोग आएंगे, लेकिन यहाँ की जो स्थिति है यह काफ़ी देखने वाली बात यह है कि कार्यकर्ता बहुत कम आए हैं। और ऐसे में जो विधानसभा का चुनाव आने वाला है, तो नीतीश कुमार का जो यह कार्यकर्ता सम्मेलन से जो इशारा मिला है, कहीं ना कहीं उनको यह सोचने पर मजबूर करेगा कि क्या यह कार्यकर्ता सम्मेलन, जो इतनी कम संख्या में लोग आए हैं, उनके लिए कितना घातक साबित होगा, या ऐसी स्थिति में उनको कौन सा अगला राजनीतिक पासा फेंकना पड़ेगा जिससे वह अपनी पार्टी को मजबूत बनाए और विधानसभा चुनाव में फिर एक नए मुख्यमंत्री के रूप में सामने उभर कर आए। पटना से पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव की रिपोर्ट।